मैं अभी हूँ ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर रोड सेफ्टी, पार्किंग मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड कुछ काम है जिसके पर्पस में मैं यहाँ पर साइट विजिट करने के लिए आया हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शारदा यूनिवर्सिटी है और शारदा यूनिवर्सिटी में ये जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इनका मल्टी लेवल कार पार्किंग है जो कि 8 फ्लोर का है। 8 फ्लोर में गाड़ियाँ लगेंगी। क्लाइंट जब काम देता है ना, क्लाइंट जब आपके पास इंक्वायरी आती है कि हाँ जी मेरे पास एक काम है, तो लोग हड़बड़ी में जाते हैं, फटाफट कोटेशन देते हैं, लेकिन सही तरीका जो होता है ना काम करने का, वो ये होता है कि जब भी आपको कभी कोई काम मिल रहा है तो काम पकड़ने से पहले एक बार आप क्लाइंट के साइट पर ज़रूर जाएं, क्लाइंट की साइट को ज़रूर एक बार विज़िट करें। साइट विज़िट करने से आपको ये समझ में आता है कि क्लाइंट चीज़ें क्या चाहता है, वो काम करवाना क्या है उसको, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और वो जिन चीज़ों को देख करके आते हैं ना या जिन चीज़ों को सोच करके वो काम करा रहे होते हैं। कई एक बार क्या होता है, फ्लोर की कंडीशन या बाकी जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो उस तरह के नहीं होते जो उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरेंगी, और वहाँ पर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। आप काम हड़बड़ी में पकड़ने के चक्कर में जाते हैं, धड़ाधड़ कोटेशन देना, ये करना वो करना, और काम आपने पकड़ लिया, काम आपको एडवांस मिला, आपने काम भी करना शुरू किया, और काम का जब रिजल्ट सामने आया, जब काम होकर के कंप्लीट हुआ, क्लाइंट ने कहा जी मुझे ऐसा नहीं तो ऐसा चाहिए था, और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगी, ये होगा वो होगा, और आप फंस जाएंगे। तो बेहतर यही होता है कि सबसे पहले साइट विजिट करें। साइट विजिट करने के बाद क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन जानने की कोशिश कीजिए कि उसमें उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या चाहता है। सपोज अगर पार्किंग डिमार्केशन की बात करें, ये चीज ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे पड़ा हुआ, तो माना कि अगर क्लाइंट चाहता है कि नहीं मुझे पार्किंग डिमार्केशन करानी है या रोड पर डिमार्केशन करानी है, तो पहले उससे एक बार उसके एक्सपेक्टेशन को समझे कि किस लेवल का काम वो चाहता है, और वहाँ पर जो रोड बनी हुई है उस रोड की क्वालिटी क्या है, उबड़ खाबड़ है, मशीन सही से चल सकती है नहीं चल सकती है, कितनी एमएम की थिकनेस दे सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों को आपको खुद से ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपको क्लाइंट के साथ बैठना है और उससे पूछना है कि सर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरह का काम आप चाहते हैं, फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए आपको, और वहाँ पर अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं, ज़रूर वो चीज़ करके दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है और आप जो डिलीवर करेंगे वो उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिलीवर करने में लिए आपको ये चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप दो चीज़ करें। सबसे पहले उसे बताएं कि सर ये चैलेंजेस हैं, इन्हें जब आप शॉर्ट आउट करेंगे तब हम आपको आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाएंगे, और अगर ये चीज़ नहीं करते हैं, ये चीज़ इन चैलेंजेस को शॉर्ट आउट करना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आप इसे नहीं हटा सकते, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ी सी और नीचे कर लीजिए, ये क्वालिटी जो मिलेगी वो ऐसी नहीं ऐसी मिलेगी। तो कभी भी काम करने से पहले हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए कि आपको काम मिला और आप दौड़ पड़े और दौड़ करके आपने जाना काम करना शुरू कर दिया, फंस जाएंगे। क्लाइंट जो होता है, अगर खासकर कॉर्पोरेट टाइप की अगर जगह पर आप काम कर रहे हैं तो निश्चित आप फंस जाएंगे, आपकी पेमेंट फंसनी ही फंसनी है। तो हर एक चीज़, और खासकर इस तरह के जब कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, इनमें काम करने से पहले मुंह से जो भी बात हुई उसको भूल जाइए, एकदम दिमाग से निकाल लीजिए। बक्तम नहीं चलता, लिखतम चलता है, इसलिए आप जो भी काम करके देने वाले हैं एक एक चीज़ उनके ऑफिशियल मेल पे पिक्चर के साथ रेफरेंस दे करके सारी की सारी चीज़ें बता दें कि जी आपका काम इतना होगा और इसी तरीके से होगा, पहले से क्लियर करके अगर आप चलेंगे आपकी पेमेंट कभी नहीं फंसेगी, आप कभी नहीं फंसेंगे। तो हर एक चीज़ को समझने जानने बूझने के बाद, डिस्कस करने के बाद, आप जो काम डिलीवर करने वाले हैं उसे उनके ऑफिशियल मेल पर सारा का सारा कुछ लिख करके ज़रूर भेज दें, पेमेंट नहीं फंसेगी।